नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ सफला एकादशी की व्रत कथा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, मैं दान, स्नान, तीर्थ, तप इत्यादि शुभ कर्मों के शीघ्र प्रसन्न नहीं होता हूँ। एकादशी व्रत करने वाला मुझे प्राणों के समान प्रिय लगता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। ये सर्व कार्यों को सफल बनाने वाली है। इसमें नारायण जी की पूजा होती है। ऋतु अनुसार फल फूल तथा धूप दीप इत्यादि से पूजन करना चाहिए। महात्म्य की कथा भी कहता हूँ, प्रेम से सुनो। चंपावती नगर में एक महिष्यमान नाम का राजा राज्य करता था। उसके चार पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम लुम्बक था। वह बड़ा दुराचारी था। मांस मदिरा परस्त्री गमन वेश्याओं का संग इत्यादि कुकर्मों में लिप्त था। पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वन में एक पीपल का वृक्ष था जो भगवान को भी प्रिय था। सब देवताओं का क्रीड़ा स्थल भी वही था। ऐसे पतित पावन वृक्ष के सहारे लोम्बक भी रहने लगा, परंतु फिर भी चाल टेढ़ी ही रही। वह पिता के राज्य में चोरी करने चला जाता था तो सेना उसे पकड़ कर छोड़ देती थी। एक दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी की रात्रि को उसने लूट मार अत्याचार किया और तब सेना ने पकड़कर वन को भेज दिया। बेचारा पीपल के क्षण में आ गया। इधर हेमगिरी पर्वत का पावन भी आ पहुंची पवन भी आ पहुंची। लुम्पक पापी के सब अंगों में गठिया रोग ने प्रवेश किया। हाथ पांव अकड़ गए। प्रातः सूर्य उदय होने के बाद दर्द कुछ कम हुआ तो पेट का दुख सताने लगा। जीवों के मारने के आज असमर्थ था वह। न पर चढ़ने की शक्ति थी। नीचे गिरे हुए फल बिन लाया और पीपल की जड़ में रखकर कहने लगा, हे प्रभु, इन फलों का आप भी भोग लगाइए। मैं अब भूखा हड़ताल करके शरीर को छोड़ दूंगा। मेरे इस कष्ट भरे जीवन से मृत्यु ही भली है। ऐसा कहकर प्रभु के ध्यान में मग्न हो गया। रात्रि भर नींद न आई। भजन कीर्तन प्रार्थना करता रहा, परंतु प्रभु ने उन फलों का भोग न लगाया। प्रातः हुई तो एक दिव्य अश्व आकाश से उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी द्वारा नारायण जी कहने लगे, तुमने अनजाने में सफला एकादशी का व्रत किया है। उसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। जैसे अग्नि को जानकर या अनजाने हाथ लगाने से हाथ जल जाते हैं, वैसे ही एकादशी भूलकर व्रत रखने से भी अपना प्रभाव दिखाती है। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर पिता के पास जाओ, राज्य मिल जाएगा। सफला एकादशी सर्व कार्य सफल करने वाली है। प्रभु की आज्ञा से लुम्बक पिता के पास आया। पिता उसको राजगद्दी पर बैठाकर आप वन में तप करने को चला गया। लुम्बक के राज्य में सब प्रजा एकादशी व्रत विधि सहित किया करती थी। सफला एकादशी के महात्म्य को सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। यह कथा भविष्योत्तर पुराण में वर्णित है। फलाहार, इस दिन तिल और गुड़ का सागार लिया जाता है। दूध से बनी मिठाई, फल और मेवा भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी सफला एकादशी की व्रत कथा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह सुझाव देते रहे। तब तक राधे राधे, हरे कृष्ण, हरे सभी को जय माता दी और सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।